तथा क्रोध लोभ और मद से युक्त हो निर्लज्ज भिक्षुक बने रहें। कितने ही ब्राह्मण वेद मार्ग को सामने रखकर शूद्रों का यज्ञ कराने वाले और दरिद्र होंगे, सदा दान लेने में ही लगे रहेंगे। दूषित दान ग्रहण करने के कारण वे सब के सब नरक के गामी होंगे। राजा दक्ष ने उनमें कुछ ब्राह्मण तो ब्रह्म राक्षस भी होंगे, जो परमेश्वर शिव को सामान्य देवता समझकर उनसे द्रोह करता है वह दुष्ट बुद्धि वाला प्रजापति दक्ष तत्व ज्ञान से विमुख हो जाए। इस विषय सुख की इच्छा से कामना रूपी कपट से युक्त धर्म वाले गृहस्थ आश्रम में आसक्त रहकर कर्म कांड का तथा कर्म फल की प्रशंसा करने वाले सनातन वेद का ही विस्तार करते रहें। इसका आनंदमय मुख नष्ट हो जाए, यह आत्मज्ञान को भूलकर पशु के समान हो जाए तथा यह दक्ष कर्म भ्रष्ट हो शीघ्र ही बकरे के मुख से युक्त हो जाए। इस प्रकार कुपित हुए नंदी ने जब ब्राह्मणों और दक्ष ने महादेव जी को शाप दिया तब वहां महान हाहाकार मच गया। हे नारद, मैं वेदों का प्रतिपादक होने के कारण शिव तत्व को जानता हूँ, इसलिए दक्ष का वह शाप सुनकर मैंने बारंबार उनकी तथा भृगु आदि ब्राह्मणों की भी निंदा की। सदाशिव महादेव जी भी नंदी की यह बात सुनकर हंसते हुए मधुर वाणी में बोले। वे नंदी को समझाने लगे। सदाशिव ने कहा, नंदिन, मेरी एक बात सुनो। तुम तो परम ज्ञानी हो, तुम्हें क्रोध नहीं करना चाहिए। तुमने भ्रम से यह समझकर मुझे शाप दिया गया, व्यर्थ ही ब्राह्मण कुल को शाप दे डाला। वास्तव में मुझे किसी का शाप छू ही नहीं सकता, अतः तुम्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए था। वेद मंत्राक्षरमय और सूक्तमय है, उनके प्रत्येक सूक्त में समस्त देहधारियों के आत्मा परमात्मा प्रतिष्ठित हैं, अतः उन मंत्रों के ज्ञाता नित्य आत्मवेता हैं। इसलिए तुम रोषवश उन्हें शाप ना दो। किसी की बुद्धि कितनी ही दूषित क्यों ना हो जाए, वह कभी वेदों को शाप नहीं दे सकता। इस समय मुझे शाप नहीं मिला, इस बात को तुम्हें ठीक ठाक समझना चाहिए। महामते, तुम सनकादि सिद्धों को भी तत्व ज्ञान का उपदेश देने वाले हो, अतः शांत हो जाओ। मैं ही यज्ञ हूँ और मैं ही कर्म यज्ञ हूँ। यज्ञों के अंगभूत समस्त उपकरण भी मैं ही हूँ। यज्ञ की आत्मा में मैं हूँ, यज्ञ पारायण यजमान भी मैं हूँ और यज्ञ से बहिष्कृत भी मैं ही हूँ। यह कौन है, तुम कौन हो और ये कौन है? वास्तव में सब मैं ही हूँ। तुम अपनी बुद्धि से इस बात का विचार करो। तुमने ब्राह्मणों को व्यर्थ ही शाप दिया है। महामते नंदिन, तुम तत्व ज्ञान के द्वारा प्रपंच रचना का बोध करके आत्मनिष्ठ ज्ञानी एवं क्रोध से शून्य हो जाओ। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, भगवान शंभु के इस प्रकार समझाने पर नंदीकेश्वर विवेक पारायण हो क्रोध रहित एवं शांत हो गए। भगवान शिव भी अपने प्राण प्रिय पार्षद नंदी को शीघ्र ही तत्व का बोध कराकर प्रथम गणों के साथ वहां से प्रसन्नता पूर्वक अपने स्थान को चल दिए। इधर रोषावेश में युक्त दक्ष भी ब्राह्मणों से घिरे हुए अपने स्थान को लौट गए, परंतु उनका चित्त शिव द्रोह में ही तत्पर हो गया। उस समय रुद्र को शाप दिए जाने की घटना का स्मरण करके दक्ष सदा महान रोष से भरे रहते थे। उनकी बुद्धि पर मूढ़ता छा गई थी। वे भगवान शिव के प्रति श्रद्धा को त्याग कर शिव पूजकों की निंदा करने लगे। तात नारद, इस प्रकार परमात्मा शंभु के साथ दुर्व्यवहार करके राजा दक्ष ने अपनी जिस दुष्ट बुद्धि का परिचय दिया था वह मैंने तुम्हें बता दी। अब तुम उनकी पराकाष्ठा को पहुंची हुई दुर्बुद्धि का वृतांत सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अध्याय 26। राजा दक्ष के द्वारा महान यज्ञ का आयोजन, उसमें श्री ब्रह्मा भगवान विष्णु देवताओं और ऋषियों का आगमन, राजा दक्ष के द्वारा सबका सत्कार, यज्ञ का आरंभ, दधीची द्वारा भगवान शिव को बुलाने का अनुरोध और राजा दक्ष के विरोध करने पर भगवान शिव के भक्तों का वहां से निकल जाना। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, एक समय राजा दक्ष ने बहुत बड़े यज्ञ का आरंभ किया।
उस यज्ञ की दीक्षा लेकर उन्होंने उस समय समस्त देवऋषियों महर्षियों तथा देवताओं को बुलवाया। वे सभी उस यज्ञ में पधारे। अगस्त, कश्यप, अत्रि, वामदेव, भृगु, दधीचि, भगवान व्यास, भारद्वाज, गौतम, पैल, पराशर, गर्ग, भार्गव, कुकुश, सिंत, सुमंतु, त्रिक, कंक और वैम्पायन, ये तथा दूसरे बहुसंख्यक मुनि अपने स्त्री पुत्रों को साथ ले मेरे पुत्र दक्ष के यज्ञ में हर्षपूर्वक सम्मिलित हुए थे। इसके सिवा समस्त देवगण, महान अभ्युदशाली लोकपालगण और सभी उपदेवता अपनी उपकारक सैन्य शक्ति के साथ वहां पधारे थे। राजा दक्ष ने प्रार्थना करके सदल बल मुझ विश्वद्रष्टा श्री ब्रह्मा को भी सत्यलोक से बुलवाया था। इसी तरह भांति भांति से सादर प्रार्थना करके वैकुंठ लोक से भगवान विष्णु भी उस यज्ञ में बुलाए गए थे। शिवद्रोही दुरात्मा दक्ष ने उन सब का बड़ा सत्कार किया। विश्वकर्मा ने अत्यंत दीप्तिमान विशाल और बहुमूल्य दिव्य भवन बनाए थे। राजा दक्ष ने ही वे भवन समस्त अतिथियों को ठहरने के लिए दिए। सभी लोग सम्मानित हो उन संपूर्ण भवनों में यथा योग्य स्थान पाकर ठहरे हुए थे। राजा दक्ष का महायज्ञ उस समय कनखल नामक तीर्थ में हो रहा था। उसमें दक्ष ने भृगु आदि तपोध्वनि ऋत्विज बनाया। संपूर्ण मारुदगणों के साथ स्वयं भगवान विष्णु उनके अधिष्ठाता थे। मैं वेद गायत्री की विधि को दिखाने या बताने वाला ब्रह्मा बना था। इसी तरह संपूर्ण दिक्पाल अपने आयुधों और परिवारों के साथ द्वारपाल एवं रक्षक बने थे। सदा कौतूहल पैदा करते थे। स्वयं यज्ञ सुंदर रूप धारण करके राजा दक्ष के उस यज्ञ मंडल में उपस्थित था। महामुनियों में श्रेष्ठ सभी महर्षि स्वयं वेदों के धारण करने वाले हुए थे। अग्नि ने भी उस यज्ञ महोत्सव में शीघ्र ही हविष्य ग्रहण करने के लिए अपने सहस्त्रों रूप प्रकट किए थे। वहां 88,000 ऋत्विज एक साथ हवन करते थे। 64,000 देवऋषि उद्गाता थे। उद्धर्व्यु एवं होता भी उतने ही थे। हे नारद, देवऋषि और सप्तऋषि पृथक पृथक कथा गान कर रहे थे। राजा दक्ष ने अपने उस महान यज्ञ में गंधर्वों, विद्याधरों, सिद्धों, 12 आदित्यों, उनके गणों, यज्ञों तथा नागलोक में विचरण करने वाले समस्त नागों का भी बहुत बड़ी संख्या में वर्णन किया था। महर्षि, राजऋषि और देवऋषियों के समुदाय तथा बहुसंख्यक नरेश भी उसमें आमंत्रित थे, जो अपने मित्रों, मंत्रियों तथा सेनाओं के साथ आए हुए थे। यजमान राजा दक्ष ने उस यज्ञ में वसु आदि समस्त देवताओं का भी वर्णन किया था। कौतुक और मंगलाचार करके राजा दक्ष ने यज्ञ की दीक्षा ली। जब उनके लिए बारंबार स्वस्ति वाचन किया जाने लगा, तब वे अपनी पत्नी के साथ बड़ी शोभा पाने लगे। इतना सब करने पर भी दुष्ट आत्मा राजा दक्ष ने उस यज्ञ में भगवान शंभु को नहीं आमंत्रित किया था। उनकी दृष्टि में कपालधारी होने के कारण वे निश्चय ही यज्ञ में भाग पाने योग्य नहीं थे। सती प्रजापति दक्ष की प्रिया पुत्री थी, तो भी कपालिकी की पत्नी होने के कारण दोषदर्शी राजा दक्ष ने उन्हें अपने यज्ञ में नहीं बुलवाया। इस प्रकार जब दक्ष का वह यज्ञ महोत्सव आरंभ हुआ और यज्ञ मंडप में आए हुए सब ऋतिज्व अपने अपने कार्य में संलग्न हो गए, उस समय भगवान शंकर को उपस्थित न देख शिव भक्त दधीचि का चित अत्यंत उद्विग्न हो उठा और वे इस प्रकार बोले। महर्षि दधीचि ने कहा, मुख्य मुख्य देवताओं तथा महर्षियों, आप सब लोग प्रशंसा पूर्वक मेरी बात सुने। इस यज्ञ महोत्सव में भगवान शंकर क्यों नहीं आए? इनका क्या कारण है? यद्यपि ये देवेश्वर बड़े बड़े मुनि और लोकपाल यहाँ पधारे हैं, तथापि उन महात्मा पीनाकमणि शंकर के बिना यह यज्ञ अधिक शोभा नहीं पा रहा। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, मंगलमय भगवान शिव की कृपा दृष्टि से ही समस्त मंगल कार्य संपन्न होते हैं। जिनका ऐसा प्रभाव है वे पुराण पुरुष वृषध्वज परमेश्वर श्री नीलकंठ यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? राजा दक्ष ने जिनके संपर्क में आने पर
अथवा जिनके स्वीकार कर लेने पर अमंगल भी मंगल हो जाते हैं तथा जिनके 15 नेत्रों से भी देखे जाने पर बड़े बड़े नगर तत्काल मंगलमय हो जाते हैं, उनका इस यज्ञ में पदार्पण क्यों नहीं हुआ? इसलिए तुम्हें स्वयं ही परमेश्वर शिव को यहाँ बुलाना चाहिए, अथवा श्री ब्रह्मा प्रभावशाली भगवान विष्णु, देवराज इंद्र, लोकपाल गणों, ब्राह्मणों और सिद्धों की सहायता से सर्वथा प्रयत्न करके इस यज्ञ की पूर्ति के लिए तुम्हें भगवान शंकर को यहाँ ले आना चाहिए। आप सब लोग उस स्थान पर जाएं जहाँ महेश्वर देव विद्वान हैं। वहाँ से दक्ष नंदिनी सती के साथ भगवान शंभू को तुरंत यहाँ ले आए। देवेश्वरों, जगदम्बा सहित वे परमात्मा शिव यदि यहाँ आ गए तो सब कुछ पवित्र हो जाएगा। उनके स्मरण से, उनके नाम लेने से सारा कार्य पुण्यमय हो जाता है।